नगीना तहसील में कोई भी कारोबार न होने ना ही कोई छोटी मोटी फैक्ट्री होने के कारण नगीना तहसील की गरीब व बेसहारा जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है। लेकिन नगीना तहसील लोकसभा क्षेत्र होने के बाद भी ना ही देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री व नगीना सांसद का इस और कोई ध्यान नहीं गया है। बेरोजगारी के चलते नगीना के एक दर्जन से अधिक गाँव में मासूम बच्चे, महिलाएं, युवतियां अपनी दो समय की रोटी के लिए पूरा परिवार सारा दिन काम करके शीशियों में चूना भर कर मात्र 50 से 60 रुपए की मजदूरी कर पाते हैं। उक्त चूने की थैली फटने से आग में चूना चले जाने पर आग भी गवानी पड़ जाती है। नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम हुरंगना में मोहम्मद इरफान फुस्कान ने अपने घरों में तंबाकू व गुटखों के साथ चूना मिलाकर खाने वाले चूने के प्लांट भी लगभग 8 से 10 वर्षों से लगाकर लगभग एक दर्जन से अधिक गांव के करीब परिवारों को अपने प्लांट में कच्चा चूना तैयार करने बड़ी थैलियों में उनके घरों पर पहुंचाकर छोटी प्लास्टिक की चीजों में भरवाकर उन्हें मात्र 2.50 रुपए में 3 रुपए किलो के हिसाब से मजदूरी देते हैं, जिससे परिवार के पढ़ने वाले मासूम बच्चे व युवतियां समेत पूरा परिवार मिलकर पूरे दिन में 20 किलो से 30 किलो तक भरकर 50 से 60 रुपए तक ही मजदूरी करके अपने परिवार को रूखी सूखी रोटी खिलाकर अपने परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। वहां की गरीब महिलाओं ने बताया कि थैली में भरे चूने की थैली फटने से गांव की 2-3 महिलाओं की आँख में चूना चले जाने के कारण उनको अपनी आँख भी गंवानी पड़ गई है। कई छोटे बच्चे की आंख में हल्की छींटे पहुंच जाने के कारण उनकी आंखें भी घायल हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का ये भी कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश व प्रदेश को दूसरे देश की तर्ज पर ही देश व प्रदेश में विकास कराकर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश का विकास तभी होगा जब देश व प्रदेश का गरीब बेसहारा जनता खुशहाल होगी। जब देश व प्रदेश की जनता खुशहाल नहीं होगी तो उस देश व प्रदेश का विकास कैसे होगा, जिससे आज के मासूम बच्चे जिनकी अभी खेलने और पढ़ने की उम्र है लेकिन वह काम करके मजदूरी कमा रहे हैं और काम करने पर मजबूर हैं। बीना, तुम्हारे पति का क्या नाम है? अशोक। तुम्हारी जो ये आँख खराब हुई थी क्या इसी से हुई थी, चूने से? हाँ, चूने से हुई थी। कैसे? चूना गिर गया था, पन्नी फटका। कब? पुष्पा। पुष्पा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? जनसिंह। कौन लोग हो? हरिजन। ये जो इसमें चूना भर रही हो इससे आपको एक कितने पैसे देते हैं? 1 किलो? 3 रुपए किलो। 3 रुपए किलो। अच्छा, इसमें जो है छींटे, इसकी आंखें वाखें भी खराब होती है? सारा दिन में कितनी भर लेती हो? सारा दिन में 10-20 किलो भर सको, 10-15 किलो। कितने लोग लग के? सारे लोग लगते हैं, सारे नन्ने पतले लोगों जब जाकर भर रहे हैं। 50-60 रुपए जो है पूरे सारा दिन में सब लोगों को मिलते हैं? सब लोगों को मिलता है। बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे? बच्चे चले जाए। हाँ, पढ़ने। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5। हमें तो कुछ भी ना मिलता, कोई 1 किलो राशन भी ना दिवाता हमें तो जी, और ना हमारे खेती, ना बाड़ी, ना मजदूरी, ना कुछ हमारे तो। हम तो इसमें गरीब आदमी।